इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस किसानों पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने 70 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, अब सियासत कर रही है। साथ ही किसानों के आंदोलन पर मिश्रा ने कहा, कांग्रेस किसानों को भड़का रही है, यह आंदोलन किसानों का नहीं कांग्रेस का आंदोलन है। वहीं स्वतंत्र विधेयक को लेकर गृह मंत्री ने कहा, हम विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक ला रहे हैं, अब कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि कांग्रेस विधानसभा में इसका सपोर्ट करती है या विरोध। मिश्रा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी जब से आए हैं तब से नए नए आइडिया ला रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी प्रकार का है। वहीं कोरोना पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा, यह खुशी की बात है कि हम कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, इससे लोगों का आत्मबल बढ़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी भड़का रही है, राहुल गांधी का ट्वीट क्या है भड़काना नहीं है तो ये आंदोलन। एक बात बताओ मुझे, पंजाब में शांतिपूर्वक क्यों होता है और हरियाणा में उग्र क्यों हो जाता है? कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये, किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है ये। अगर देश में क्या अकेले पंजाब में ही किसान रहते हैं? वहां उनकी सरकार है जो पीछे से उकसा रही है, सपोर्ट कर रही है। देश का किसान इस बात को जानता है कि पहली बार किसान को अपनी फसल का दाम करने का अधिकार मिला है। भड़का रहे हैं, मंडी बंद हो जाएंगी, कहां से मंडी बंद हो गई, सपोर्ट प्राइस बंद हो जाएगी, कहां हुई है, सब जारी हो रही है। लेकिन इनको तो भ्रम फैलाना है तो फैला रहे, जैसा CAA पे फैलाया था, जब लोगों की समझ में आया तो खीसे निपोरते रह गए, जैसा GST पे फैलाया था, वन नेशन वन टैक्स पे फैलाया था। हम कुछ भी करें इनको तो कमी निकालना है, कुछ भी कर लें ये कमी जरूर निकालेंगे। देखो आप ट्वीट ही कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी, आप कल्पना करो ना, ये ना सरकार ना साहूकार, और किसान को दाम तय करने का अधिकार। मोदी जी का यह भी एक क्रांतिकारी कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आय को दुगनी करना किसान की को, यही तो मूल विषय है। देश में आजादी के बाद तक सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही और किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था और कर्ज में मर जाता था, आखिर क्यों? इसका जवाब देना, उन्होंने किसान के लिए क्यों नहीं किया कुछ? क्यों किसान हमेशा कटोरा लिए खड़ा रहा? क्यों अन्नदाता भूखा रहा? कपड़ा पैदा करने वाला क्यों नंगा रहा? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। देखिए माननीय मोदी जी जब से आए हैं तब से वो नए इनोवेशन, नए आइडियाज लाते हैं और देश को एक दिशा देते हैं। वन नेशन वन टैक्स किया और पूरे देश ने अंगीकार किया, वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी तरह का है, वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन वन राशन, एक ही राशन कार्ड पे पूरे देश के अंदर वो अनाज ले सकता है, वन नेशन वन ट्रांसपोर्टेशन मतलब वन ड्राइविंग लाइसेंस, एक ही लाइसेंस पूरे देश में चलेगा, वन नेशन वन एजुकेशन। ये मोदी जी के आने के बाद ही सारी चीजें आई हैं और उन्होंने पूरा देश अनेक वेश फिर भी एक देश, अनेक भाषा अनेक वेश फिर भी अपना एक देश, ये एकाग्रता राष्ट्रीयता समाकित होके आ गई है। और इसलिए मैं वास्तव में नवाचार के लिए माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव भी इसी तरह का है। आप कल्पना करिए कि पार्षद से लेके सांसद तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी तो कितना खर्च बचेगा। हम सब, मैं उस समिति का अध्यक्ष रहा हूं जब पहले यह विषय आया था मध्य प्रदेश का, विविधताओं में एक यह भी है कि चुनाव भी चलते रहते हैं 5 साल, लोकसभा का हटा तो विधानसभा आ गया, विधानसभा का हटा तो नगर निगम नगर पालिका आ गए, नगर निगम नगर पालिका हटी तो पंचायत जनपद जिला आ गए,
वो हटी तो फिर मंडी आ गई, मंडी हटी तो सहकारिता आ गई, सहकारिता हटी तो जल उपभोक्ता आ गई, चुनावी चलते रहते हैं, आचार संहिता रखती रहती तो विकास प्रभावित हो जाते हैं, एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी का जो सोच है वो वास्तव में बहुत अच्छा सोच है, अनुकरणीय सोच है, आदरणीय सोच है। परिभाषा बहुत साफ है, जो लव जिहाद की तरफ ले जाए उसके खिलाफ हम ये लेके आ रहे हैं धर्म स्वातंत्र विधेयक। कांग्रेस को अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस धर्म स्वातंत्र विधेयक का विधानसभा में विरोध करेगी या सपोर्ट करेगी आने वाले सत्र में। ये इस पर क्यों नहीं बोल रहे बोलो? ऐसी दो मुंह नीति आपको कोई पार्टी की मिलेगी ही नहीं। जो लोग तिरंगे का विरोध करते हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं है। अरे भाई आप स्पष्ट तो करो कि आपकी नीति क्या है। देश के अंदर भ्रम की स्थिति में अगर कोई जी रहा है तो वो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता है। हाँ, ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ वैक्सीन का ट्रायल प्रारंभ होने जा रहा है और पहले उसकी ट्रायल है, उसके बाद फिर आमजन के लिए है। पर निश्चित रूप से कोरोना जो मानसिक विकार का परेशानी का कारण बना हुआ है उससे थोड़ी राहत और आत्मल लोगों का बढ़ेगा। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, 6 करोड़ लोग लगभग इससे अभी तक प्रभावित हो चुके हैं विश्व और 14,25,000 लोग से ज्यादा विश्व में काल कवलित हुए। अपने भारत में भी 92 लाख पेशेंट हो गए, माने अभी तक किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। 1 लाख से अधिक लोग काल कवलित अलग अलग जगह पे हुए। मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1,98,000 लोग इस बीमारी में किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए और 3,000 से के आसपास काल कवलित भी हुए। अभी वर्तमान में 13,742 एक्टिव केस है प्रदेश के अंदर। इसमें सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है, ये तो आंकड़े थे, कि मृत्यु दर हमारी लगातार घटती जा रही है। बहुत ही सफलता हमें मृत्यु दर में मिली है। अब सिर्फ 1.6% ही मृत्यु दर रह गई है प्रदेश में, जो हम सबके लिए एक अच्छी बात है। नेशनल एवरेज के भी हम धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। मामले जो कुछ है खास इंदौर भोपाल में ज्यादा है, बाकी नई जगह थोड़े अभी एक्टिव हुए हैं, उसमें रतलाम विदिशा शिवपुरी है, वो भी धीरे धीरे अब सफल हो जाएगा। पर निश्चित रूप से अब कोरोना के मामले में आज से जो वैक्सीन की ट्रायल होगी हम सब लोग निश्चिंतता की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश